वेलकम एवरीवन। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं परांठों के साथ। दिखाओ परांठे, मिर्च का अचार और मलाई भी आएगी। तेरे मलाई भी आएगी। तो कैसे हैं सारे लोग, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गर्गरेश ब्रदर्स। तो आज परांठों के साथ हमारा लंच की शुरुआत हो रही है। नाश्ते में हमने लिया था चाय, पीनट बटर ब्रेड और रस, इंडिया की तरह केक रस। और अब हम खाएंगे ये वाला सिस्टम जो कि बड़ा ही शानदार लग रहा है। ये दाल के परांठे हैं, ये बहुत कुछ है इसमें। मेरे को प्याज दिख रहा है, ये हरा हरा कुछ दिख रहा है, बट ये नहीं पता ये पीला रंग कैसे इसमें आया। प्याज है, अजवाइन है, नहीं बताना, नहीं जूती चुप रहा है। तो बताओ इसमें और भी है, तीन चार चीजें पहले खाओ। चलो इसको खा के बताते हैं। ये शानदार अचार के साथ हम इसको खाएंगे मिर्ची के, और आपको अभी दो मिनट में मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी से आए हुए हैं, लियोन कंपनी से जो हमने सोफा लिया था, सेक्शन सोफा, उसकी ट्रीटमेंट एक मिलती है इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पे करके, जिससे कि 5 साल तक अगर कोई भी स्टेन, जैसे खाना खाते हुए कोई गेस्ट आ गए, कुछ इसके ऊपर स्टेन लग जाए, ख़राब हो जाता है, हल्दी का दाग जो छूटता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। और ज़रा सी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने के बाद वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो वही ट्रीटमेंट आज करने के लिए कंपनी से आए हुए हैं। बहुत ही प्रॉपर तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से, एक एक पार्ट को कवर करके इसको ना क्लीनिंग हो रही है इसकी। हाँ जी मेरे प्रिय मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके, कैसी है जनता, देख रहे हो क्या सज धज के जा रहा हूँ मैं। टाई भी बढ़िया है यहाँ पे, देखो इसको भैया। हम जा रहे हैं हम्बर कॉलेज एल्युमिनाई, उसके ऊपर नॉट एल्युमिनाई, हम्बर कॉलेज का जो लीडरशिप टीम है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराती है राउंड टेबल टाइप का, उसके ऊपर पैनल बैठते हैं लोग सारे के सारे करते हैं, और उन्होंने मुझको बुलाया है एज अ पैनलिस्ट उनके उधर के बच्चों को जज करने के लिए जो वहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक टाइम ये भी था कि मैं उस टेबल पे एज अ स्टूडेंट बैठा था, और यू नो पैनलिस्ट बाहर से आए हुए थे, सब कुछ हो रहा था आज से तकरीबन 3-4 साल पहले। हाँ, आज से ऑलमोस्ट 4 साल पहले मैं उन बच्चों की जगह पर था जहाँ पर आज मैं ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल होऊंगा। तो खुशी जो है वो छुपाए नहीं छुप रही है, देखो स्माइल भी नहीं हट रही कि भैया इतने बड़े हो गए हम हैं, जहाँ हम बैठ के हाँ जी करा करते थे, आज वहाँ पे बच्चों को करवाने जा रहे हैं पूरा का पूरा सिस्टम तैयार। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। हालांकि मैं 10 मिनट लेट हूँ, 10 के भी 15 मिनट ही, ये देखो ज़रा 1 घंटा 20 मिनट दूर है, तकरीबन 52 किलोमीटर दूर मुझे जाना है टोरंटो डाउनटाउन। अब हम थोड़ा सा दूर आ गए हैं उस टोरंटो वाली साइड से ना, मैंने आपको बताया था थोड़ा सा वेस्ट में आ गए हैं, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है कभी कभी पहुंचना। और ये इस टाइम पीक आवर है, टाइम कह रहे 4:30 बजने वाले हैं, तो 4:30 बजने वाले का मतलब क्या, सबकी छुट्टी हो रही है भैया, छुट्टी के टाइम पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा। तो ये हम लाइटों पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं लाइट हरी हो हम यहाँ से निकले, और फटाफट से फुर्ती करते हुए वहाँ पे पहुंचे और आपको मिलते हैं, वहाँ जाकर दिखाते हैं अगर मैं दिखा पाया तो, कि वहाँ पे कैसा माहौल है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है। मीनवाइल वासु मम्मा और वो सारे के सारे आपको वीडियोस भेजते रहेंगे अपनी बना बना के, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगर वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ ना तो आपको देखने का मौका मिलेगा कि कैसा हो सकता है, आप कितने लेवल तक पहुँच सकते हो कनाडा के अंदर, कि आपको कॉलेज वाले बुलाएं और आप वहाँ पे जाके आपकी इज्जत खातरदारी हो, खाना पीना मिले, हैं। तो देखो कैसे होता है सारा का सारा सिस्टम, और हम आपको वहां पे मिलते हैं। हां जी, तो कैसे हैं सब यार, क्या मौसम हो रहा है बाहर, क्या मौसम हो रहा है। आज तो मैं छुट्टी ले ली थी, सुबह जैसे उठा इतना तेज सिर में दर्द था, इतना गंदा दर्द बस बता नहीं सकता। ये इतना बढ़िया व्यू है ना, यहाँ खिड़की पे खड़े हो जाओ और बाहर देखो बस, क्या वो सामने बढ़िया वो मेन रोड सी जा रही है यहाँ पे ना, उधर ही, और उधर ही सामने उधर की तरफ थोड़ा सा आगे जाओगे, मतलब 10 मीटर भी नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे है बस स्टॉप। यहाँ की जो क्रेडिट व्यू रोड है पीछे वाली, और इधर बवेड ड्राइव है जो मेन है, मेन रोड, इस सब के लिए बस चलती है यहाँ पे बिल्कुल पास करके। कुछ भी एकदम जाना हो साथ के बाहर निकलो, गूगल के ऊपर टाइमिंग देखो कितने बजे बस आ रही है और पहुँच जाओ। चलो घर वाले दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। पापा खड़े हैं, माता हमारी बैठी हैं, आज थोड़ी सी सिर में इनके दर्द दर्द सा हो रहा है जरा जरा सा, और ये हमारी भाभी जी। हाँ जी, के बन रहा है मैगी। ये भाई देखो, मेरे को रोटी खिला के और खुद मैगी खाने लग गई है। आज ही खा रही हूँ।
अभी एक मिनट पहले मेरे को इन्होंने मैगी कह रहा हूँ रोटी बना के खिलाई है, और जैसी मेरी रोटी में खत्म होने वाली थी एकदम अपने लिए मैगी बनानी शुरू कर दी। चोर की दाढ़ी में तिनका। तुझे भी एक चम्मच दे दी। ना ना अब तो भाभी पेट भर गया। और हमारे भाई साहब कहाँ गए हुए मम्मा? स्पेशल जगह गए हुए आज हमारे भाई साहब। हम्बर कॉलेज गए हैं, जहाँ से उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई करी थी। उन्होंने स्पेशल बुलाया है अंबर भैया को, किस चीज के लिए? वो स्टूडेंट्स को आगे गाइडेंस देने के लिए, पूरे ग्रुप्स बिठा के अंबर भैया गाइडेंस देंगे अपने जो स्टूडेंट्स एलुमनाई है ना अंबर भैया कॉलेज के। तो स्पेशली मेल आई कॉलेज की तरफ से कि हम जो हमारे जो स्टूडेंट्स आगे बहुत अच्छी उन्होंने सक्सेस अचीव करी है, उनको बुला रहे हैं अपने इस इवेंट पर, ताकि जो आगे जो बच्चे हैं सेम जो कोर्स के अंदर इंस्पायर करने के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए, कैसे वो भी कंपनीज के अंदर इंटरव्यूज देकर सब कुछ सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो भाभी कैसा लग रहा है आपको कि आपके पति देव को बुलाया गया है, और आपको कैसा लग रहा है आपके बेटे को बुलाया गया है? अच्छा जी, इतने बच्चों के अंदर सिर्फ अंबुरा को बुलाया है जो पुराने स्टूडेंट्स है, क्या बात है। तो वो भी वीडियो वहाँ बना रहे होंगे, वो भी देखते हैं क्या कुछ बनाएंगे, देखते हैं। उन्हें मैंने बोला था बनाना जरूर वहाँ जाके, तो अपन भी देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई देखो मैं यहाँ पहुँच तो गया हूँ, आई हैव नो आइडिया मैं कहाँ हूँ। मैं 54 पे खड़ा हूँ, 52 इधर है, 56 पे जाना है मुझे, और 56 मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने लाइव लोकेशन मंगा लिया, यहाँ पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बरसात भी फुल पावर हो रही है, एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर माई प्लेस। देखो भैया कहाँ पे देखो, पर मैं सजा हुआ सुंदर तो लग रहा हूँ ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लग रहा हूँ। ठीक है ना, मैं अपना छाता भी घर लाना भूल गया घर से, क्या यार स्टूपिड। देखता हूँ मैं कहाँ को जाना है एक बारी। हाँ जी, कहाँ सारे? हम तो नीचे डस्टबिन बाहर रखने गए हुए थे, मैं और पापा, और ये दोनों बैठी हैं मूवी देख रही हैं। केड़ी मूवी है? गुजराती है भाई। बताओ गुजराती मूवी क्या बोल रहा है? बोल भाई कुछ। आके चोपड़ी बावाची। ओ भाई साहब यही रह गया था बस। मतलब सबटाइटल हिंदी में देख रही है, कुछ मतलब कुछ भी देखना है, कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी वैसे दिन ना आए। ओहो खाना भी चल रहा साथ साथ। भैया तो आए नहीं अभी, भैया डिनर करने गए हैं। मेरा तो फोन नहीं उठाया उन्होंने। अच्छा मैं थोड़ी देर पहले गया था, बाहर ही डिनर करने गए हुए। नहीं नहीं वो एक सारे जने इकट्ठे, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, भैया आएंगे हमें सब कुछ बताएंगे, फोन करके बताएंगे। और भाई साहब जी बाहर डिनर करने गए, थक गए होंगे बहुत ज्यादा, शाम के गए हुए है ना, दोपहर के है ना, दोपहर के गए हुए अब तक, वही हुआ खत्म नहीं हुआ। ये देखो मैं तो खा ली पूरी, खत्म कर दी भाई जी, खत्म पूरी पूरी। भैया आए, उनसे पूछेंगे सब कुछ क्या कुछ रहा, फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा। हाँ जी पब्लिक, अपन आ गए हैं अपने कमरे में। आज भैया का वेट करते 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 बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और दो तीन काम मेरे को भी थे वो भी करने में लगा पड़ा था मैं, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। माता जी भी बैठे हैं यहीं पे। तो बात ऐसी है कि भैया अभी तक आए नहीं है, रात के 11 बज गए हैं, और वो आएंगे उसके बाद फिर ब्लॉग एडिट करना होगा पूरा का पूरा, फिर अपलोड करने के अंदर प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज का ब्लॉग जो है वो तो थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठ के जाना होता है, तो मैं तो अब सो जाऊंगा, कितने के अंदर वो आएंगे तो मतलब सब कुछ ही डिले हो जाएगा, प्रोसेस इतना भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कल ही ब्लॉग डालूंगा, दो ब्लॉग एक साथ डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े थोड़े टाइम लाइक इंटरवल के ऊपर गैप दे देंगे थोड़ा सा बीच में, तो वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसीलिए अपन कल मिलते हैं है जी अम्मा? बिल्कुल कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। यस कल मिलेंगे हम इसी टाइम इसी जगह, आप और हमारा इंतज़ार करना, और तब तक अपना सब ध्यान रखना। बाय बाय।